गैर आतंकी बार बार अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने की फिराक में लगे रहते हैं, जिसके बाद भारतीय सेना उनके इरादों को पस्त कर देती है, मगर इसके बावजूद भी आतंकी हैं कि अपनी हरकतों से बाज नहीं आते और बार बार भारतीय सेना के हाथों ढेर हो जाते हैं। जम्मू कश्मीर की सीमा पर आतंकियों ने एक बार फिर सुरक्षा बलों को अपना निशाना बनाना चाहा, जिसके चलते आतंकियों ने जम्मू के पुलवामा और कुपवाड़ा के जंगलों में सुरक्षा बलों से मुठभेड़ की, जिसमें भारतीय सेना ने चार आतंकियों को ढेर कर दिया। लेकिन इस दौरान हुए हिंसक प्रदर्शन में एक पत्थरबाज भी सेना के हत्थे चढ़ गया, जिसकी मुठभेड़ के दौरान मौत हो गई। खबरों के मुताबिक आतंकियों ने कुछ लोगों को उनके ही घर में बंधक बना रखा था, जिसकी सूचना मिलते ही सुरक्षा बलों ने बंधकों को आतंकियों के चुंगल से बाहर निकालकर उस घर को ही उड़ा दिया, जिसमें दो आतंकी मौके पर ही ढेर हो गए, जबकि तीसरा आतंकी गोलीबारी करता रहा। कुछ देर तक दोनों ओर से गोलीबारी होने के बाद तीसरा आतंकी भी ढेर हो गया। बताया जा रहा है कि स्थानीय लोगों को मुठभेड़ का पता चलते ही उन्होंने घर से बाहर निकलकर सुरक्षा बलों पर पथराव करना शुरू कर दिया, जिसके बाद सेना ने अपने बचाव के लिए पत्थरबाजों पर आंसू गैस के गोले और पैलेट गन का इस्तेमाल किया, जिसमें एक पत्थरबाज गंभीर रूप से घायल हो गया और उसके अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। भारतीय सेना हर बार आतंकियों के अंजाम को शिकस्त दे देती है और इस बार भी सेना ने चार आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया। बहरहाल अब देखना ये होगा कि सेना की इस जाबाजी पर बौखलाए हुए आतंकियों का अगला कदम क्या होगा। कैमरा पर्सन पिंटू के साथ मैं पलक अग्रवाल, लाइव खबर।